अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। क्या हालचाल है आप लोगों का? सेहत भी है, आप लोगों की सेट है। चले, आपका भाई आ चुका है एक और व्लॉग के साथ। आज का दिन जो है वो बड़ा मतलब प्यारा सा दिन है, क्योंकि आज 10 मुहर्रम है और मौसम चेक करें हल्की हल्की धूप है सही। तो अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, मैं कब्रिस्तान जा रहा है, उधर कब्रों को ठीक करना है, ऊपर फूल वगैरह, तो वो सारा कुछ आपको पता है, वो आपको मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। आप लोगों ने बस लाइक और सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। अभी जो है ना, मैं जो जिसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना कब्रों को ठीक करने के लिए, वो सारी कुछ चीज़ें मैं इकट्ठी करके फिर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल इधर नीचे साथ है हाँ, दबा दो। खैर, दबा देंगे लाइक दबा दिया, अब साथ ही सब्सक्राइब बटन है, बस क्लिक कर दें, कुछ हुआ तो मुझे पकड़ लीजिएगा। चलो ओका, फिर मैं आपको तमाम चीज़ों के साथ मिलता हूँ जिनको लेके जाना है। रास्ते पे जनाब हम पहुँच चुके हैं, ये सारा सामान हमें उठाया हुआ है, ये भाई साहब हैं और इनकी आदमी भी, ये बाल्टी वगैरह है। तो ये हम फार्म के पास पहुँच आए हैं, बिल्कुल ये सर भाई आपके सामने खड़े हैं। तो तकरीबन आधा रास्ता हो गया है, आगे आधा रास्ता रहता है। आज हम फिर पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो F-17 थंडर तैयार है ना, उसका जो है थोड़ा मसला बन गया था, वो किक नहीं लग रही थी उसकी, तो इस वजह से हमने कहा चलें फिर अपनी जो गाड़ी है वो निकालते हैं, ये पैदल 11 नंबर गाड़ी जो है वो निकालते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके अपडेट करूंगा। ये सारा सामान फूल ये उठा लिए, ये जाके पानी सब कुछ, और ये बाल्टी वगैरह इसके अंदर भी दो तीन चीज़ें हैं। तो चले, अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ा आगे जाके। चलते चलते हम बिल्कुल कब्रिस्तान सामने आ चुका है, और अब जो है आप हमारे पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना चल के आए हैं। ये भाईजान साहब, और अब मैं आपको मिलूंगा सीधा कब्रिस्तान के अंदर। मैं बड़ा इस्तेमाल बोल रहा हूँ, कब्रिस्तान हम पहुँच चुके हैं, बड़ा रश हो रहा है, ओए होए होए होए, बंदे ही बंदे हैं। तो अब मैं इधर मोबाइल की सेट करता हूँ तो फिर काम करना है। अब अब जो है जनाब काम बिल्कुल डन हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल, अब जो है ना जो हमने किया है फाइनल, आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, अब हम जी जा रहे हैं घर वापस, सारा सामान उठा लिया है, और अब कहते हैं जी कब्रिस्तान को गुड बाय, और मिलता हूँ मैं आपको सीधा घर जाके। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मोटरसाइकिल जो हमारा था वो सुबह स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो अब सारा काम ख़त्म करके हम वापस जा रहे हैं घर, और आप पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना काम किया है। फुल एंड तक जो है ना, मेरे कपड़ों का कोई जो है कोना मुझे खुश्क दिखा दें मैं मान जाऊंगा। तो अब हम तीनों फिर चल पड़े हैं घर को, इससे आगे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैमरा उठा के वीडियो बनाऊँ, तो सीधा मैं आप लोगों को अब घर जा के मिलूँगा। हाँ, पसीना चेक करें आप,
और गर्मी गर्मी बहुत लेवल की है। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको सीधा घर जाके। ओका काफ़ी टाइम हो चुका है हमें घर आए, तकरीबन कोई घंटा हो गया, घंटा डेढ़। और दूसरा मुझे ज़ुकाम भी बड़ा हैवी वाला लगा हुआ है, आए। और जो है ना अभी बिल्कुल चावल खा के आया हूँ। अब आपको पता है कि दस मुहर्रम है, मुहर्रमुल हराम है, तो हर तरफ से कोई ना कोई चीज़ आ ही रही है। तो अभी चावल आए थे, चावल खाए हैं, अब मैं नहाने लगा हूँ। क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया था कि जब मैं आ रहा था घर, रास्ते में था जब, तो कितना पसीना मुझे आया हुआ था। तो अभी मैंने वही कपड़े डाले हुए हैं यार, वही कपड़े हैं अभी। तो मुझे बड़ी खुद से भी स्मेल आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी नहा के फिर आपको मिलता हूँ। यार नहा धो मैंने लिया था, और अब जो है ना नहाने धोने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है, बुखार भी है। तो अब हो चुकी है शाम, क्या बल्कि रात हो चुकी है। मैं इधर करता हूँ व्लॉग को एंड, और कल फिर बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। कल कॉलेज भी हमारे, कल से कॉलेज भी हमारे खुल रहे हैं, तो कॉलेज भी जाना है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा। तब तक लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी करें। और चले मिलते हैं फिर कल, चंगा फिर, ओका बाय बाय।